तो नमस्ते सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। आज फीडबैक सेशन है हम लोगों का। तो पिछले लगभग 1.5 से पौने 2 महीने की जो जर्नी हमारी रही है न्यूमरोलॉजी की, कैसी रही आप लोगों की? कैसा लगा आपको ये क्लास? जिस पर्पस को लेके आप क्लास में आए थे, क्या वो फुलफिल हुआ? क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा? अपना एक फीडबैक शेयर करिए ताकि बाकी और जो लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनको जुड़ने में आसानी होगी, उनको अपना कन्विक्शन डेवलप करने में आसानी होगी। तो शुरुआत करेंगे विभा मैम से। विभा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग सर, राधे राधे एंड प्रणाम। एंड ऐसा कहा जाता है कि जब कोई स्टूडेंट काबिल होता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तब उसे वो राइट टीचर मिल जाता है। तो आई रियली फील ब्लेस्ड दैट मनीष सर हैज कम इन माय लाइफ, एंड आई कैन वाउच दैट सर इज नॉट ओनली डेडिकेटेड बट ही टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज वर्क। तो ऐसा बहुत कम होता है कि आप बहुत प्राइड से करते हो, वो बहुत कम मिलता है। सो आई लव दिस क्वालिटी अबाउट सर। एंड ड्यूरिंग द क्लासेस वी ऑल कुड सी द इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, हिज ओन रिसर्च एंड हिज ओन डेडिकेशन इन द कोर्स। सो इट्स नॉट दैट सिंपली ही इज टीचिंग अस फ्रॉम द ओल्ड बुक्स एंड यू नो व्हाट हैज बीन पास्ड ऑन बाय हिज टीचर, बट इट इज हिज ओन इंटरप्रिटेशन एंड हिज ओन टेक ऑन द सब्जेक्ट। एंड ड्यूरिंग द कोर्स वॉट रियली फैसिनेटेड मी वॉज वेन ही टॉट अस what are the double success years and how do you deal with the year when it is in contradicting with your goals and your ideas. So that was a game changer for me, because many times you know we want to do our business but we don't know whether this year is the right year for us or should we take a break. And another thing is that sir not only teaches you the principles but he also taught us how to align our chakras so that we can manifest our goals. And I think no teacher does that. No teacher is interested whether you are spiritually awakened or not, but this was really good. And I would like to add one more thing for people like me who have already learned numerology. Please come to this platform and you have to learn from Manish sir, because the tools and the techniques that he gives you, it's like the Brahmastra has been given you to by the guru himself. And then you will see your prediction goes to ultimate level. And thank you sir for your guidance, and really feel blessed you left no stone unturned. But sir, you have to come with one more course. Hum aapko jaane nahi denge sir, to aapko ek course lana hoga. And thank you and pranam. Thank you, thank you so much Nana. Thank you so much. Hey Ruchi ma'am. गुड इवनिंग सर। सर आपके लिए क्या बोलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूं, इतना कुछ है आपके लिए बोलने के लिए। सर थैंक यू। स्टार साइन की, स्टार साइन नहीं होता तो सर आप नहीं मिलते। आप मिले तभी मैं न्यूरोलॉजी सीख पाई सर, सीरियसली। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं इस फील्ड में आई और मैंने इतना अच्छा किया सिर्फ आपकी वजह से। सर आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी डेडिकेशन के साथ जो पढ़ाते हैं करते हैं, मतलब रियली सर सल्यूट। मैं तो सबको यही बोलूंगी जिसको न्यूमरोलॉजी सीखनी है वो मनीष सर से सीखे, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो थैंक यू कि आपकी ब्लेसिंग हमें मिली और आपने बहुत 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 अच्छा पढ़ाया। मैं जो फर्स्ट टाइम वो इतना अच्छा सीख सकते हैं तो सर कोई भी न्यूमरोलॉजी आपसे बहुत अच्छा कर सकते हैं रियली। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे जुड़ी। क्लास खत्म होने वाली है सर, टेंशन हो रही है कि क्यों खत्म हो रही है, आप और पढ़ाएं, पढ़ाते ही रहे बस आप सर। आपकी आवाज सुन के एक मैजिक सा होता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन माइंड में आती है, तो वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं हम। तो दूसरी क्लास भी आप ले आइए सर जल्दी से। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मीना मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जैसे रुचि ने बोला है कि आपकी क्लास खत्म होने वाली है, पर हमारा दिल करे कि क्लास खत्म ना हो। और मेरे पास तो सच में कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ कि अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपकी तारीफ करूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहीं से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था बट जो मेरे क्वेश्चन थे वो क्लियर नहीं हुए थे। तो मैंने आपका एक वेबिनार देखा तो मुझे लगा कि हाँ मुझे यहाँ अपना आंसर मिल सकता है। मैं सोचा चलो एक बार करके देखते हैं। और मैंने जब ये क्लास स्टार्ट की तो मुझे ऐसे लगा कि मैं न्यूमरोलॉजी नहीं सीख रही, कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं क्या सीख रही। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया कि
बहुत कुछ सिखाया आपने, नाम इसका न्यूरोलॉजी कोर्स दिया है, तो इसमें बहुत कुछ सीखा है मैंने, मेरे जितने भी क्वेश्चन थे हर क्वेश्चन क्लियर हुआ है। और जैसे आप कहते हैं कि 1 to 9 वाला न्यूमोलॉजिस्ट नहीं बनना है, तो वो अब हम नहीं है, हम वो कह सकते हैं परफेक्ट न्यूमोलॉजिस्ट है। थैंक यू सो मच सर। मेरे पास वो लाइन नहीं है कि मैं आपके लिए कौन सी लाइन क्या बोलूं। बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू सो मच। जितना आपने बोला था उससे ज्यादा हमें करवाया है। आपका ये प्लेटफॉर्म स्टार साइन, आपके जितने भी टीचर हैं सच में बहुत ही बढ़िया है सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वंदन मैम, हम अनम्यूट करिए। यस, अनम्यूट हो गया। तो सबको नमस्कार, मेरा नाम है वंदन साधु और आज मैं अपनी दिल की बात शेयर करने जा रही हूँ आप सबसे। मैं ये बात शेयर करने जा रही हूँ कि वैदिक और लोचुविद मैंने पहले बेसिक किया हुआ था, पर मैं इतनी कंफ्यूज थी, मेरे जो थॉट थे वो अनक्लियर थे। मुझे लगता था कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आया तो मैं उसको किस वे में 100% रिजोल्यूशन दूंगी, तो वो मैं क्लियर नहीं हो पा रही। पर थैंक गॉड मनीष सर मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे उस कंफ्यूजन की स्थिति में से क्लियरिटी की ओर ले गए। और सर के पास आइए आप और सर से ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट का कोर्स स्टार साइंस के थ्रू आप करिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये मेरा बेस्ट थम्स अप वाला फीडबैक है सर के लिए। और सर ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर। और आप मेरे पर्सनल ईयर 7 के दौरान मेरे लिए एक ब्लेसिंग बनके मेरे लाइफ में आए, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आशा मैम, राधे राधे सभी को। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है आशा वर्मा, मैं जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूं। और अपना एजुकेशन के बारे में बताऊं तो मैं केवल मैट्रिक पास हूं और आज से पहले घर संभालना, बच्चों को देखना, बस यही था। लेकिन यूट्यूब में एक वीडियो देखा करती थी, न्यूमरोलॉजी क्या होता है, ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मेरी छोटी बहन ने बोला कि दीदी तुम इस चीज को क्यों नहीं सीख रही हो। मैं बताना चाहूंगी कि जो भी हाउसवाइफ भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रोफेशन में ही जाने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए ही न्यूमरोलॉजी सीखे, बल्कि अगर सर से सीखते हैं तो सर का जो बताने का लहजा है इतना सरल और इतना सिंपल, और एक एक चीज को इतने कायदे से बताते हैं ना कि कोई भी सीख सकता है। जिसे 1 to 10 तक गिनती आती है वो इजिली यहाँ पे आए और किसी तरह के दिमाग में नहीं रखे। जैसे मैं यहाँ आने से पहले बहुत कंफ्यूज थी कि जाएंगे पता नहीं हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, मेरे को कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये दिमाग में चलते रहता था। लेकिन आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ कि अगर आपको 1 to 10 तक 1 to 2 आता है तो यहाँ आइए और सीखिए। और ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल बनने के लिए ही सीखिए, सीख के अपने परिवार को ब्लेसिंग दीजिए, अपने घर वालों का लाइफ थोड़ा सा अगर आप इससे चेंज कर सके तो एक बहुत बड़ा चेंज आप ला सकते हैं अपने फैमिली के लिए। तो थैंक यू सर, राधे राधे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अंकिता मैम, हैं आप? ज्ञान जी, नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम नेपाल। एक्चुअली व्हेन आई सॉ द न्यूरोलॉजी, आई मीन आई सॉ सो मेनी प्लेसेस इन यूट्यूब, स्पेशली डॉक्टर सुमित, आई लाइक डॉक्टर सुमित एंड संदीप बजाज एंड सो मेनी पीपल्स आर देयर एंड आई टॉक द माई फ्रेंड्स एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट यस वी हैव टू लर्न। And then I give the money, 25, I mean the name, 15,000 rupees, right? Uh-huh. I scan. Actually, I paid this 20,000 rupees. I paid before 3 months. I paid the money. Anyway, but I'm looking for the neurology. It is the best place. I suggest everyone, please come to join the Star Sign class.
Actually, this is the best place. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, thank you so much, everyone, for providing such a wonderful feedback. Just an ending note. कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी बहुत 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 पावरफुल है, अगर हम उसको उस तरीके से एज अ टूल, एज अ साइंटिफिक टूल अगर यूज कर सकें, जीवन बदल सकता है और जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। जो ये कहा जाता है ना कि भाग्य निर्धारित है और जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ये सारी बातें, या जहाँ लक्ष्मी, जहाँ पे सरस्वती है वहां लक्ष्मी नहीं आती, ये सारी बातें जो है ना एक तरह से मतलब सही नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी को बढ़ावा देती हैं कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, ठीक है। ये सब चीजें बिल्कुल गलत हैं। कर्म योगी बनना है, कर्म करना है, और जब हम कर्म करते हैं और उसमें हमें ऐसा कोई टूल मिल जाए जो ये बताए कि नहीं, अब लोहा गर्म है हथौड़ा मार सकते हो, अभी लोहा ठंडा है हथौड़ा मारने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें अगर हमें पता चलती हैं तो बहुत ज्यादा हम लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, 100% हमें हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम हार्डवर्क के साथ ये चीजें इंक्लूड करते हैं हमारा लक फैक्टर बढ़ता है, और जब लक फैक्टर बढ़ता है तो जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आती है। तो यूज करिए इस साइंस को। आपके पास आज के डेट में एक ऐसा टूल आ गया, एक ऐसा साइंस आ गया है जिससे सिर्फ अपनी नहीं, आप समाज में भी लोगों की जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वैसी विद्या आई है तो अप्रिशिएट द फैक्ट कि भगवान ने कहीं ना कहीं आपको चुना है, ठीक है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, लोगों को डराना नहीं है, कभी भी किसी भी सेंटेंस में ये यूज नहीं करना है कि सामने वाला डर जाए घबरा जाए, ठीक है। अगर कोई सामने वाला परेशान है तभी आपके पास आया है, वो डरा है परेशान है तभी आया है, ये नहीं कि उसको डरा के हम थोड़े पैसे बना लेंगे, ये कर लेंगे, ये काम कभी मत करिएगा। ब्लेसिंग, मनी इज द बाई प्रोडक्ट, ये हमेशा जान के चलिएगा। जीवन में पैसा बहुत आएगा, मतलब पैसे की कमी है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। अगर आप ब्लेसिंग कमाते जाएंगे, जैसे अगर मैं आज बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने अपना 100% दिया, मुझे ये पता है, ठीक है। और जब मैं आपको 100% दूंगा, जिस और स्पेशली जैसे जो कहीं से पढ़ के आता है ना, जैसे जिसने कहीं से नहीं पढ़ा तो उसके पास कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं से पढ़ के आते हैं तो आपको पता है, आप ना 4-6-8 महीने स्ट्रगल करके आए होते हैं कि यार मैं तो ये सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये सॉल्व, तो वो जैसे नहीं किसी प्यासे को पानी मिल जाता है, जितना पानी मिलते जाए उतना जो है उसको अच्छा लगता है, मतलब वो पानी का टेस्ट जो है बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस हर कहते हैं हर बैच में होता है, जहाँ पे लोग आते हैं और उनको लगता है कि अरे बस अब खजाना मिल गया है, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गया, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू हैव। लेकिन अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वो यही आ गई है कि कितना इसको मैं समाज में बांट सकूं, कितने मैं लोगों तक पहुंच सकूं। जीत के ना, मतलब भगवान के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जीवन बदल सकते हैं, ठीक है। अब भगवान ने वो ब्लेसिंग जो है आपके अंदर ट्रांसफर की है कि आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोई इंसान जीवन में बहुत परेशान है, अगर उसका आपने प्रॉपर कंसल्टेशन किया, उसकी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं भगवान जैसा ही काम हो रहा है ना ये, तो अगर भगवान जैसा हम काम करेंगे तो हमें वो सात्विक प्रवृत्ति भी रखनी है। मन हमेशा साफ होना चाहिए, कभी भी ग्रीड नहीं लेके आना है। द मोमेंट यू विल ब्रिंग ग्रीड इनटू दिस प्रोफेशन, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर आपके कैलकुलेशन में, आपके ब्लेसिंग में। जब भी आप किसी का कैलकुलेशन करके देंगे, अल्टीमेटली यू आर ट्रांसफरिंग योर एनर्जी टू समबडी, आप समझिएगा इस चीज को। और अगर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है ना, तो सामने वाले की लाइफ में उतना ज्यादा कुछ बहुत आप इफेक्ट लेके नहीं आते। आज आप क्लास में आए हैं, आप एक क्लास में जितनी चीजें आप सीख के जा रहे हैं उसके साथ साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके जा रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है, ये नथिंग बट आई हैव ट्रांसफर्ड माई एनर्जी टू यू,
कि मैंने कहीं ना कहीं अपना एक एनर्जी का एक प्रभाव आपके ऊपर डाला हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, एक जिम्मेदारी हो गई है ये सीखने के बाद कि समाज में कितना इसको हम फैला सके और कितने लोगों का जीवन हम बदल सके। तो उस डायरेक्शन में काम करिएगा। अगर उस माइंडसेट के साथ काम करेंगे आप देखेंगे कि ये जो विद्या है वो दिन पर दिन और अच्छी होती चली जाएगी। जितना आपने सीखा है इससे और बहुत सारी चीजें इंट्यूशन के दम पे आपके अंदर अपने आप आने लगेगा, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों की सेवा करिए, इसी भाव से इस चीज को करिएगा। थैंक यू सो मच।